मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक खास टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर की है। आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम दही जमाते हैं, बहुत सर्दी जब हो जाती है जब हम दही जमाते हैं तो या तो उसको आटे में रखें, आटे में रखने में बहुत झंझट है और सर्दियों में दही जमता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मेरे साथ तो हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी कि तीन तीन चार चार दिनों तक मेरी दही नहीं जमती थी अगर मैं आटे में ना जमाऊँ तो। तो मेरी मम्मी ने एक ख़ास टिप्स मेरे साथ शेयर की है कि आप दही को कितनी भी सर्दी हो आप दही को सिर्फ 4 घंटे में जमा सकते हैं। वही टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दही जमाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध, उबला हुआ दूध यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद में हमें दही जमाने के लिए एक नैरो बर्तन चाहिए, यहाँ पर मैं गिलास का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई नैरो बर्तन है तो उसमें थोड़ा दही जल्दी जम जाती है, तो वही बर्तन आप यूज़ करें। उसके बाद में हमें दूध में जावन लगाने के लिए चाहिए दही। तो अब इसके बाद में हमें दूध गर्म करना है, तो दूध गर्म करने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे, दूध बर्तन के अंदर डाल लेंगे और बर्तन को हम गैस के ऊपर रखेंगे। तो बर्तन को गैस के ऊपर रखने के बाद में हम हाई फ्लेम कर देंगे। हमें दूध सिर्फ गर्म करना है, ऑलरेडी हमारा दूध बॉइल्ड है, तो दूध हमें इतना गर्म करना है जिसको हम फिंगर से छू सकें। तो बीच बीच में हम फिंगर से इस तरह से चेक करते रहेंगे कि दूध हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ी देर बाद ही हमारा दूध गर्म हो चुका है, क्योंकि हमने फिंगर से चेक किया है तो दूध हमारा गर्म हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब दही जमाना स्टार्ट करते हैं। अब उसी गिलास में हम दूध डाल देंगे जो हमने गिलास लिया था, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा गर्म है तो जावन नहीं पकड़ेगा दूध। उसके बाद में हमें चाहिए एक इस तरह का बर्तन और बहुत सारे हमें कपड़े चाहिए, किचन में तो हमारे कपड़े अवेलेबल रहते ही हैं। तो इस तरह से हम गिलास को इस तरह से रख देंगे एक बर्तन के अंदर, उसकी चारों तरफ हम कपड़ा लगा देंगे। अब यहाँ पर हम आधे चम्मच के करीब इसमें जामुन लगाएंगे, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा ज़्यादा जामुन का यूज़ करें। अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से। उसके बाद में हम एक और टॉवल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम गिलास को हमें कवर करना है, अच्छे से हमें गिलास को कवर करना है कपड़ों से। अब इसके बाद में हम एक बर्तन लेंगे, इस तरीके का हमें बर्तन लेना है, ग्लास पर इस तरह से उल्टा रख देना है बर्तन को। तो ये देखिए एक कपड़े का हम और यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एप्रन है, उसके 3-4 फोल्ड्स बनाकर इस तरह से हम कवर कर देंगे उस बर्तन को जो हमने गिलास के ऊपर ढका है। उसके बाद में एक बर्तन और हम इस तरह से ढक देंगे, तो 4 घंटे तक हम इसको जमने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 घंटे के बाद में मैं आप लोगों के सामने ही दही चेक कर रही हूँ, अब तक मैंने दही को चेक नहीं किया है। आप भी 4 घंटे से पहले दही को चेक ना करें। तो ये देखिए मैंने कपड़ा हटाया, बर्तन हटाया, वाह दही हमारी कितनी अच्छी जमी है और कितने कम समय में जमी है इतनी सर्दी के बाद भी। ये देखिए मैं स्पून से आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया दही जमकर तैयार हो गई है। अब दही जमाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उससे जावन नहीं पकड़ेगा, और एक अच्छे से दूध को आप कपड़ों से कवर कर दें तो दही बहुत अच्छी जमेगी। ये ट्रिक बहुत ही काम की है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।